नमस्ते मित्रों, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक के बारे में। तो तीसरा श्लोक कुछ इस तरह से है। तीसरे श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोण से ये कह रहे हैं, हे गुरु, पांडु पुत्रों की इस महान सेना को देखो जो आपके प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के क्रम में पंक्तिबद्ध किए गए हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोण को चिंतित होकर ये बात बोल रहे हैं कि पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार है। एक बार फिर से याद दिला दूं, दुर्योधन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं संसारिक इच्छाओं को, और जो द्रोण है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे संस्कार को, हमारी गहरी आदतों को। तो इसमें जो हमारी जो इच्छाएँ हैं, जो हमारी संसारिक इच्छाएँ हैं, वो हमारी गहरी आदतों को वो आपस में बात कर रही हैं। आपस में उनका जो है ये कन्वर्सेशन चल रहा है। क्या आपस में बात चल रही है कि इच्छाएं जो हैं चिंतित हैं, इच्छाएं इस बात से चिंतित हैं जो अच्छी आदतें हैं वो बुरी आदतों को हराने के लिए सक्षम है। इसी बात से चिंतित होके जो दुर्योधन है, यानी कि कहें हम कि जो संसारिक इच्छाएँ हैं, वो बात कर रही हैं द्रोण से, यानी संस्कारों से, आदतों से। वो कह रहे हैं कि पांडवों की शक्तिशाली सेना को देखिए। कौन है पांडवों की शक्तिशाली सेना? पांडवों की जो शक्तिशाली सेना है, अगर हम उसको समझेंगे तो ये वो शक्तियां हैं जो हमारे भीतर जो है पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जिसको हम विवेकशील गुण कहते हैं, और वो स्थित हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में। और क्या होती हैं विवेकशील शक्तियाँ, जो आपको बताती हैं क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। विवेकशील शक्तियाँ क्या करती हैं कि आपको जगाती हैं, आपको जो है नींद से उठाती हैं, कि आप जो सोए सोए जो काम अपने जो जीवन जी रहे थे, अब आप जो है जाग के जीना शुरू करते हैं। अगर हम दुर्योधन की बात करें, जिसको हम संसारिक इच्छाएं बोलते हैं, तो उसके लिए जो है इस फोर्स का आना, उसके लिए जो है पांडवों का आना, पांडवों का जीतना जो है उसकी हार है। इसका मतलब ये हुआ कि संसारिक इच्छाएँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और एक साधक जिसकी ऊर्जा जो है अभी बाहर संसार की तरफ बह रही थी, वो परमात्मा की तरफ बहना शुरू कर देती है। तो वो कह रहे हैं पांडवों की शक्तिशाली सेना को देखिए जो आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के निर्देशन में सब युद्ध के लिए तैयार हैं। द्रुपद का पुत्र आपके द्वारा मनोवैज्ञानिक युद्धों में निपुण होने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। तो क्यों रीढ़ की हड्डी में जो है पांडवों की शक्तियाँ जो हैं वो विराजमान हैं? तो क्यों रीढ़ की हड्डी में जो चक्र होते हैं उसमें जो है विवेकशील गुण है, उसमें जो विराजमान है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कारण है कि जो आपकी जो स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बॉडी का। रीढ़ की हड्डी जो है वो ऊर्जा है जो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देती है। रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा से हम देख के बता सकते हैं कि आप जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, और आपके बारे में प्रेडिक्शन भी की जा सकती है कि आप किस तरह का जीवन आप जियोगे। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के पीछे जो चक्रास हैं, जो चक्र हैं, अगर वो खुल जाएं, अगर वो एक्टिवेट हो जाएं, तो ऊर्जा जो है आराम से ऊपर के चक्रों में ट्रैवल कर सकती है। इसलिए इन चक्रों का एक्टिवेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन चक्रों के एक्टिवेट होने से आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और परमात्मा से आपको मिलन करवाती है। तो दुर्योधन यहाँ पर जो है अपने गुरु द्रोण से बोल रहे हैं कि पांडवों की शक्तिशाली सेना को देखिए जो आपके शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के निर्देशन में सब युद्ध के लिए तैयार हैं। द्रौपद का पुत्र आपके द्वारा मनोवैज्ञानिक युद्धों में निपुण होने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन का इशारा है वो धृष्टद्युम्न की तरफ है। कौन है धृष्टद्युम्न? धृष्टद्युम्न जो है वो दुर्योधन के गुरु भाई हैं और वो द्रोण के शिष्य भी हैं। और यहाँ पे दुर्योधन कह रहे हैं कि धृष्टद्युम्न जो हैं वो हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जो है वो पांडवों के साथ जाके मिल गए हैं और उनके सेनापति बन गए हैं, उनके जनरल बन गए हैं, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न को थोड़ा समझेंगे। धृष्टद्युम्न प्रतीक है अंतर्ज्ञान का, एक ऐसा अंतर्ज्ञान का प्रकाश जो आपके भीतर जलता है, जो आपको रास्ता दिखाता है, जो अल्टीमेटली जो है आप के जो गहरी संस्कार की जो आदतें हैं उसको ख़त्म करता है।
जो बुरी आदतें जो आपके भीतर हैं, जो जिससे आपकी ऊर्जा जो है बाहर की तरफ बहती है, उसको ख़त्म करता है और फाइनली उस ऊर्जा को जो है परमात्मा के साथ जोड़ता है। दृष्ट द्योमन जो है उसके शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो दृष्ट का मतलब होता है बोल्ड, डेयरिंग, कॉन्फिडेंट, निर्भीक, साहसी, आत्मविश्वास, और द्योमन का अर्थ होता है स्प्लेंडर, ग्लोरी, स्ट्रेंथ, वैभव, महिमा और शक्ति। तो दृष्ट द्योमन का अर्थ होगा साहसी, शक्ति का प्रकाश। दृष्ट द्योमन जो है वो द्रोण के अच्छे शिष्यों में गिने जाते हैं, और द्रोण को अगर हम समझें तो द्रोण जो है वो एक हैबिट है, संस्कार है। तो दृष्ट द्योमन जो है वो एक अच्छी आदत है, ये संस्कार या हैबिट का एक सकारात्मक रूप है, एक पॉजिटिव रूप है। ये ध्यान की पुरानी आदत से उनका जन्म हुआ है। आपकी लाइफ में आपको कुछ भी जो है अगर आपको अचीव करना हो तो आपको जो है उसकी कहीं ना कहीं शुरू में आदत डालनी पड़ती है, और अच्छी आदतें भी हैं, बुरी आदतें भी हैं। दृष्ट द्योमन जो है एक अच्छी आदत का प्रतीक है जो कि आपके गहरे ध्यान से उत्पन्न होता है, कि ऐसी आदत जो आपने बार 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 रिपीट करके जो है आपने अंदर जो है इस्टैब्लिश कर ली है, और इस ध्यान के इस्टैब्लिश होने की वजह से आपके भीतर एक ज्ञान और शांति का प्रकाश होता है, और जब टाइम आता है, जब जरूरत पड़ती है, तब यही प्रकाश जो है एक शिष्य को, एक साधक को जो है बहुत सारी कठिनाइयों से बचाता है, उसको बुराई से बचाता है, उसको नीचे गिरने से बचाता है और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दृष्ट द्योमन जो है वो द्रुपद के पुत्र हैं, और द्रुपद जो है वो सिंबलाइज करते हैं एक अच्छे संस्कार को, और द्रुपद जो है वो वैराग्य के प्रतीक है। द्रुपद की उत्पत्ति गहरे ध्यान और भक्ति में हुई है। द्रुपद के भीतर जो है एक भीतर एक गहरी लालसा है परमात्मा को पाने की, उसके भीतर जो एक बहुत नेचुरली जो है एक अंदर एक इंक्लिनेशन है परमात्मा के लिए, उसको सांसारिक इच्छाओं से ज़्यादा जो है उसको लगाव नहीं है, इसलिए उसको बड़ा नेचुरली उसको फ्लो जो है उसका परमात्मा की तरफ होता है। तो द्रुपद के पुत्र हैं दृष्ट द्योमन। तो आप समझ रहे हैं एक अच्छे व्यक्ति से, एक एक बहुत ही एक पॉजिटिव जो एक एनर्जी है उससे उनका जो है दृष्ट द्योमन का जन्म हुआ है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो द्रोण के साथ बात कर रहे हैं और वो चिंतित हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि आपका शिष्य जो कि दृष्ट द्योमन है और जो कि द्रोण के पुत्र हैं, वो पांडवों की सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पांडवों की सेना के सेनापति हैं। ये देखकर वो आश्चर्यचकित भी हैं और चिंतित भी हैं। तो यहाँ पर ये बात समझने कि जो दृष्ट द्योमन है वो एक अंतर ज्ञान का प्रतीक है। द्रोण, द्रुपद और दृष्ट द्योमन को समझने के लिए हमें थोड़ा महाभारत में गहरा जाना पड़ेगा, उनकी भूमिका समझनी पड़ेगी कि उनका एक्चुअली में क्या रोल रहा है, ताकि आप इस श्लोक को अच्छे से समझ सकें। तो कहानी कुछ इस तरह है कि द्रौपद और द्रोण जो है बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, और आगे के वर्षों में जो द्रुपद है वो पंचाल राज्य के राजा बने, और उसके कुछ समय बाद द्रोण अपनी पुरानी मित्रता को ध्यान में रखते हुए वो द्रुपद के पास गए कुछ मदद मांगने के लिए, लेकिन द्रुपद ने द्रोण को नकार दिया और उसको अपमानित भी किया। इस घटना के बाद द्रोण जो है बदले की भावना से भीतर भर गए और वो द्रुपद से बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने पांडवों के साथ मिलकर द्रुपद को युद्ध में हराया, जिसमें द्रुपद ने अपना राज्य खो दिया और उसको बंदी बना लिया गया। पुरानी मित्रता को ध्यान में रखते हुए द्रोण ने द्रुपद को आधा राज्य, जो कि साउथ जिसको हम दक्षिणी भाव कहते हैं, वो द्रुपद को दे दिया, जिसके कारण पंचाल के दो हिस्से हो गए। आधा हिस्सा जो था वो द्रुपद के पास चला गया और जो आधा हिस्सा था वो द्रोण के पास चला गया, जो कि एक अच्छा हिस्सा था। तब द्रुपद ने संकल्प लिया कि वो द्रोण से बदला लेगा और अपना राज्य जो है वो वापस लेगा। तो द्रुपद ने यज्ञ और प्रार्थना करके एक ऐसे पुत्र की कामना करी कि जो द्रोण को ख़त्म कर सके, जिसके फलस्वरूप जो है दृष्ट द्योमन का जन्म हुआ। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो दृष्ट द्योमन ही थे जिन्होंने द्रोण का वध किया। तो ये थी कहानी महाभारत की। अब इसका जो है जो गहरा सिग्निफिकेंस है, गहरा मीनिंग है, वो आपको जो है अब मैं उसकी बात करूँगा। हमें ये पता है कि जो द्रोण है वो पुरानी संस्कार, वो पुरानी आदतों का प्रतीक है, और द्रुपद जो है वो वैराग्य का प्रतीक है। शुरू में जब साधक अपनी जो है आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करता है, तब उसे लगता है कि संस्कार यानी आदतें उसकी मित्र हैं। मतलब जैसे कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी जब आप अपनी शुरू करते हैं, तो शुरू शुरू में जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तब आपको जो है हैबिट सपोर्ट करती है,
आपको जो आपके संस्कार हैं वो बीच में नहीं आते, आपको सपोर्ट करते हैं, ध्यान की एक आपके अंदर आदत पड़नी शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में जाना शुरू करते हैं, तब भी आपके और संस्कार के बीच में कहीं ना कहीं विरोध आना शुरू हो जाता है, द्रोण बीच में प्रकट हो जाते हैं और द्रोण आपको जो है आगे ध्यान करने से रोकते हैं, और तब द्रुपद और द्रोण के बीच में जो है ये डिवीजन हो जाता है और द्रुपद और द्रोण जो है अलग अलग हो जाते हैं, द्रुपद जो है द्रोण का साथ छोड़ देते हैं, जिसके कारण साधक को बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि एक जो एक ध्यान की जो एक आदत पड़ी होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण जो है साधक को इन परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है और उसको जो है ध्यान में एक डिस्करेजमेंट मिलती है, और ये परेशानी तब तक रहती है जब तक कि साधक जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थापित नहीं हो गया, तब तक उसे बुरी आदतों का सामना करना पड़ता है। फिर एक ऐसा वक्त भी आता है कि जब साधक जो है अपनी पुरानी आदतें, जो बुरी आदतें हैं, उसको छोड़ पाता है और उसको जो है एक विक्ट्री, एक जीत उसको एक हासिल होती है, लेकिन ये जीत जो है आधी ही होती है, क्योंकि अभी उसको जो है पंचाल का दक्षिणी भाव, जिसको हम हृदय के नीचे के चक्र कहते हैं, हृदय के नीचे के जो चक्र हैं वो आपको संसार की तरफ लेके जाते हैं, और जो हृदय के ऊपर के जो चक्र हैं वो आपको जो है परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं। तो अभी जो है साधक एक ऐसी स्थिति में पहुँचा है यहाँ पर कि उसकी जो ऊर्जा है वो अभी नीचे की तरफ बह रही है, तो अभी ये आधा उसने जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड जो है उसने कैप्चर कर लिया है, लेकिन जो मेन ग्राउंड है जो कि हृदय से ऊपर का है वो अभी भी कैप्चर करना है, और जो हृदय के जो ऊपर के जो चक्र हैं वहाँ पे अभी जो है द्रोण का प्रभाव है, द्रोण ने जो है उनको जो है अभी कैप्चर किया हुआ है। द्रोण यानी आदतें, संस्कार, इच्छाएं, जो कि जिसका प्रभाव जो है अभी ऊपर के चक्रास में है, जिसके कारण जो है साधक जो है वो परमात्मा से नहीं मिल पाता, क्योंकि वासना का बहुत गहरा अभी भी प्रभाव है। ये देखते हुए समझते हुए एक साधक जो है अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेता है कि उसको जो है अपना पूरे जो राज्य है वो अपना जो है हाथ में लेना है। उसने जो है अपना दक्षिणी भाव जो है, जो हृदय के नीचे के चक्र हैं, वो तो उसने जीत लिए हैं, लेकिन अभी उसकी जो जीत है वो आधी है, तो उसको अपने ऊपर के चक्र जो हैं वो उसने जो है अभी भी जीतने हैं। तब साधक जो है अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प लेता है और इस संकल्प के कारण जो है वो गहरे ध्यान और भक्ति के साथ जुड़ता है, और अपने भीतर जुड़ने के कारण और उस प्रण और संकल्प के कारण दृष्टि द्योमन का जन्म होता है, एक ऐसा अंतर्ज्ञान, एक ऐसी शक्ति जो कि द्रोण को, जो कि आदतों को ख़त्म करेगी, जिसको जो आदतों को नष्ट करेगी और उसको परमात्मा का जो है उसको मिलन कराने में उसकी मदद करेगी। दृष्टि द्योमन के कारण एक भक्त, एक ध्यानी, एक साधक के अंदर एक गहरा संकल्प का जन्म होता है, एक दृढ़ संकल्प का जन्म होता है, जिसके कारण वो पांडवों के सेनापति बन जाते हैं, वो पांडवों को नेतृत्व करते हैं, वो जो आपके भीतर की जो शक्तियाँ हैं, जो आपकी अच्छी जो शक्तियाँ हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी में है, उसको जो है वो गाइड करती हैं, वो कुंडलिनी की तरह जो है उस ऊर्जा को जो है आपको सहस्त्रहार तक पहुंचाने में वो हेल्प करती हैं, वो साधक को गहरे ध्यान के लिए प्रेरित करती है और आपके भीतर एक गहरी शांति आप उत्पन्न करती है, और एक जो मन के अंदर एक वो जो चंचलता होती है वो भी शांत होनी शुरू हो जाती है, वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है पूरी तरह से। दृष्टद्योमन और दुर्योधन जो हैं वो गुरु भाई हैं और उनके जो गुरु हैं वो द्रोण हैं। तो दृष्टद्योमन जो हैं वो आप समझिए अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, और जो दुर्योधन है वो संसारिक इच्छाएं, जो कि बुराई आप कह लीजिए, जिसके अंदर आपकी ऊर्जा जो है बाहर की तरफ जो है व्यर्थ कामों में जो है बहती है और जिस जो आपको जो है परमात्मा से मिलन करने में रोकता है, और इन दोनों के गुरु हैं द्रोण, और जो द्रोण जो हैं वो आदतों के लिए, वो संस्कारों के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आदतों, जो आदत हैं वो दोनों के गुरु हैं, तो अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं, लेकिन अच्छी आदतों में इतनी ताकत होती है कि वो बुरी आदतों को जो है वो हरा सके, लेकिन आदतें तो आदतें होती हैं। एक सच्चा साधक वही होता है जो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर आती है जो कि अच्छी आदतों को भी छोड़ पाता है और फाइनली वो अच्छी और बुरी आदतों से ऊपर उठ के अपने भीतर के जो गहरे ध्यान, जो उसके भीतर का गहरा ज्ञान है, उसके साथ वो जुड़ता है और अपने जीवन को जीता है।
और अपने जीवन के निर्णय लेता है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो चिंतित है कि वो ये देखते हैं कि दृष्टद्युम्न जो है वो एक तो गुरु भाई भी हैं और वो द्रोण के शिष्य भी हैं और वो उनके खिलाफ जाके जो है वो पांडवों के साथ जाके वो मिलके खड़े हो गए हैं। तो वो आश्चर्य से भरे हुए हैं, वो आश्चर्य से इसलिए भी भरे हुए हैं क्योंकि दृष्टद्युम्न जो है उनके जो गुरु हैं वो द्रोण हैं और वो कहीं ना कहीं जो फलस्वरूप है वो एक आदत ही है, वो एक अच्छी आदत है। इसलिए दुर्योधन चिंतित है क्योंकि उनको इस बात की भी चिंता है कि अच्छी आदतों में इतनी शक्ति होती है कि वो बुरी आदतों को ख़त्म करने की क्षमता रखती हैं और अच्छी आदतें कुछ ऐसी हैं कि वो इस जन्म की हो चाहे पिछले जन्म की हो वो मिल के जो है वो बुराई को ख़त्म कर सकती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप थोड़ा समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि आपने अपने पास्ट में अपने इवन अपने पास्ट लाइफ में कुछ अगर अच्छे काम करे हुए हैं उसकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि वो अभी भी आपके भीतर जो है उसकी जो है गहराई में वो पड़े हुए हैं और वो आपको हेल्प करते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपके जो है लाइफ में आके आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल एक आदमी की बात करें जो संसार में जी रहा है, उसको एक्चुअली में नहीं पता होता कि उसका मन कितना चंचल है, उसको ये नहीं पता होता कि वो अपने इंद्रियों का ही गुलाम है, कि उसके जो डिज़ायर्स हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसे अपनी असलियत का तब पता चलता है, उसको फर्स्ट टाइम इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है जब वो ध्यान के साथ जुड़ता है, जब उसकी आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू होती है, तब उसको कहीं ना कहीं जो है जाके पता चलना शुरू होता है कि उसके भीतर जो उसके भीतर जो कौरव बैठे हुए हैं वो उसके साथ उसको जो है उसको सामना करना है, उनको वो ख़त्म करना है। इनको ख़त्म करे बिना वो अपने भगवान कृष्ण, अपने जो परमात्मा जो उसके भीतर है उससे उसका मिलन नहीं हो पाएगा तब तक। तो अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एक अध्यात्म जो है अगर अर्ली एज में आ जाए, अध्यात्म जो है अगर आपके जो है जीवन में पहले आ जाए तो ये बहुत एक शुभ लक्षण है क्योंकि आपको जो है तब जो है आप क्योंकि हम तब कह सकते हैं कि बुराई जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी और आपकी जो अच्छाई की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। अगर आपकी लाइफ में अगर आप जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ अध्यात्म के साथ देर से जुड़ते हैं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो आपके भीतर का जो दृष्टद्युम्न है जो कि एक अंतर ज्ञान है जो कि आपको अल्टीमेटली जो आपको मुक्त करता है जो कि द्रोण को जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है ख़त्म करता है और ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो जो है कहीं बाहर नहीं वो आपके भीतर की ही बात है। जब तक कि आपके भीतर के जो आपके जो द्रोण है आपने उसको जो है ख़त्म नहीं कर दिया है दृष्टद्युम्न की मदद से तब तक जो है वो आपको जो है गुलाम बनाकर ही रखेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी ध्यान का मौका आए, जब भी आपके भीतर जो है एक ध्यान का एक हल्का सा भी जो है आपके भीतर एक डिज़ायर क्रिएट हो रहा है आपको उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसी मौके को इस्तेमाल करके अपने भीतर गहरा जाना चाहिए और ध्यान के साथ जुड़ना चाहिए। हाँ, और जितना आप ध्यान के साथ गहरे जुड़ेंगे उतना जो है आप अपने भीतर जो है स्थापित हो पाएंगे, आपके भीतर के जो पांडव हैं वो स्थापित हो पाएंगे जिसके कारण जो है कौरवों की हार निश्चित हो जाती है। तो गीता का यही मैसेज है कि आप जो है आपके भीतर की जो अच्छाई है उसको इतनी ताकत मिल जाए कि बुराई का होना ना होना बराबर हो जाए। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर यू फॉर भगवद गीता चैप्टर 1:3। आई होप यू इन्जॉय द वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।